नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट का आज एक फैसला आया और इस फैसले में क्या है, क्या हिस्ट्री टीजीटी वाले के लिए है, क्या ये पंचायत सचिव के लिए है, इसे लेकर अब सोशल मीडिया में तरह तरह की कमेंट आ रहे हैं। हम आपको इसमें आज विश्लेषण करके बताएंगे कि ये फैसला क्या है और किस चीज पर आया है, कौन इससे प्रभावित होंगे, किसकी नियुक्ति होगा। एक्चुअली में ये जेएसएससी का एक मामला है जिसमें इतिहास विषय को लेकर के विज्ञापन निकाला गया था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री से होना चाहिए। ऐसे में हिस्ट्री विषय का मतलब क्या है, इसे पहले भी एक बार जेएसएससी को और जेपीएससी को नोटिस देकर हाईकोर्ट ने पूछा था कि इतिहास का मतलब आखिर क्या है, यानी कि इतिहास किसे कहेंगे। यहां पर यह बताना जरूरी है कि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था कि हिस्ट्री जिसको मान्यता जेएसएससी ने दिया है, तो हिस्ट्री ऑनर्स और हिस्ट्री विषय का मतलब होता है जिसमें एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से ग्रेजुएशन या ऑनर्स किए थे, सिर्फ मेडाइवल हिस्ट्री से किए थे, सिर्फ मध्यकालीन भारत से किए थे और सिर्फ आधुनिक भारत से किए थे। जब नियुक्ति का समय आया तो इनके सर्टिफिकेट को देखने के बाद रिजेक्शन कर दिया गया। इसके बाद ये सारे स्टूडेंट सिंगल बेंच में चले गए। सिंगल बेंच ने देखने के बाद ये कहा कि शुरू में ही जेएसएससी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो पूरा इतिहास है इसका मतलब तीनों साथ में होगा। फिर ये मामला डबल बेंच में चला गया था तो उस पर आज फैसला आया है। इससे हिस्ट्री विषय पर जो रोक लगी हुई थी वो हट गया है। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्या सोनी कुमारी का कुछ लेना देना है, इससे क्या टीजीटी वाले के ऊपर से रोक हट गया है और क्या पंचायत सचिव वाले का भी अब तुरंत से आ जाएगा रिजल्ट। अब यहां पर आपको हम ये बता दें कि इस पूरे फैसले में कहीं भी सोनी कुमारी का जिक्र नहीं था, क्योंकि वो एक अलग मामला है, ये एक अलग मामला है। दूसरा नंबर चीज कि टीजीटी वाले का भी कोई फैसला इसमें नहीं आया, मतलब जो हिस्ट्री और सिविक्स का मामला रुका हुआ है वो दूसरा मामला है। ये टीजीटी और का जो हिस्ट्री, सिविक्स और म्यूजिक टीचर का रुका हुआ है वो नियोजन नीति को लेकर सवाल उठाया गया था और ये हिस्ट्री विषय के व्याख्या को लेकर के था कि हिस्ट्री किसे कहेंगे। हिस्ट्री सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री के पढ़ने वाले को कह देंगे, सिर्फ मध्यकालीन वाले को कहेंगे, सिर्फ आधुनिक वाले को कहेंगे, इसको ही हाईकोर्ट के डबल बेंच ने स्पष्ट किया है। लेकिन इससे एक बात और साफ हो गई कि हाईकोर्ट में अब ऐसे सुनवाई भी हो रहे हैं जो जेएसएससी और जेपीएससी से जुड़े हुए मामले हैं। और इसे देखकर ही हमारी एक वीडियो आज सुबह में ही हमने भेजा था जिसमें हमने बताया था कि अपील के अंत तक में बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई चल रही है, वहां भी एजुकेशन को लेकर के हो रहा है और एजुकेशन को लेकर के हाईकोर्ट में, हालांकि सोनी कुमारी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, पंचायत सचिव के साथ इस जजमेंट का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जो हाईकोर्ट के पास अगर लिस्टिंग में है, उनको लगता है कि उस पर जजमेंट देना चाहिए तो दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा जजमेंट देना चाहिए तो दे रही है। और उसके तर्ज पर आप विचार कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो टीजीटी वाला मामला है और जो पंचायत सचिव का मामला है उस पर कोई निर्णय आ जाए। फिलहाल आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।